गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको तो पता ही है कि आज है वट सावित्री की पूजा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत खास होती है। हम लोगों के लिए, खास तौर से लेडीज़ों के लिए बहुत खास होती है, जो कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए और हेल्दी रहने के लिए पूजा करती हैं। सो गाइस, तो आज की पूजा हमारी इसीलिए है, और मैं भी सुमित के लिए, सुमित की लंबी उम्र के लिए, सुमित हेल्दी रहे, इसीलिए आज मैं भी पूजा करने वाली हूँ। आज का ब्लॉग हमारा बहुत खास होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसकी वजह ये है कि आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा कैसे होती है, और हम किस तरह से वट सावित्री की पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ पूजा में क्या क्या सामान बनता है, प्रसाद के लिए हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, और मैं आज वट सावित्री की पूजा में कैसे तैयार होने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर सभी के घरों का जो प्रसाद का तरीका और कुछ रस्में होती हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा के लिए प्रसाद में क्या बनता है और हम किस तरह से पूजा करते हैं। तो मैं और मम्मी आज सुबह 4:30 बजे ही उठ गए थे। मैं और मम्मी आज सबसे पहले उठे, और हम लोग इसलिए और ज़्यादा उठे थे कि हमारा काम जो है वो समय से ख़त्म हो जाए, समय से सारा प्रसाद और पूजा की तैयारी हो जाए, ताकि धूप निकलने से पहले मॉर्निंग में जल्दी ही हम पूजा करके वापस आ जाएं। और अंकित को 9 बजे बैंक भी जाना होता है, तो अंकित के बैंक जाने से पहले हम लोग पूजा करके घर वापस आ जाएँ। तो फिलहाल गाइस, मम्मी अभी नहाकर आ गई हैं, और मम्मी किचन में पूजा के लिए प्रसाद बना रही हैं। मैं भी गई थी मम्मी की हेल्प के लिए, लेकिन मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम जाओ, नहाकर आ जाओ और रेडी हो जाओ, और उसके बाद अपनी पूजा की थाली तैयार कर लो। तो फिलहाल अभी मैं भी नहाकर आ गई हूँ, और नहाने के बाद मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, पूजा का सामान रेडी कर लिया है। अब बस मुझे बस तैयार होना बाकी है, साड़ी पहनना बाकी है। तो चलिए, चल के पहले आपको दिखाती हूँ अपनी पूजा की थाली, जो पूजा का सारा सामान मैंने रेडी किया हुआ है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो ये देखिए, पूजा में चढ़ने के लिए मेरा जितना सामान होता है वो सब कुछ रेडी है। और सुबह उठ के मम्मी ने बहुत हेल्प करी, लगभग सारी तैयारी है मम्मी ने ही करवाई है। तो अभी मैंने अपनी पूजा की थाल रेडी कर ली है, मम्मी अभी किचन में थोड़ा काम बाकी है, तो मम्मी अभी वो भी बना कर रख रही हैं, क्योंकि हमें लौट के आने तक हो सकता है थोड़ा टाइम तो हो ही जाएगा, 7:30 तो बज ही जाएगा। तो अगर बाय चांस हमें लेट होता है तो जल्दी जल्दी लौट के आने के बाद जो है अंकित के खाने के लिए नाश्ता ना बनाना पड़े, तो हम अंकित के लिए पहले ही नाश्ता बना के रख के जाएंगे। तो मम्मी अभी उसी की तैयारी में लगी हुई हैं। तो चलिए, चल के फटाफट अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। सो गाइस, तो हम लोग धूप निकलने से पहले जल्दी ही मंदिर चले जाएंगे, ताकि धूप निकलने से पहले हम लोग पूजा करके वापस भी आ जाएं, क्योंकि धूप निकल आती है उसके बाद फिर काफ़ी गर्मी हो जाती है। अब मंदिर भी हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही है। तो मम्मी अभी तैयार होने के लिए गई हैं, और अंकित भी देखिए उठ गया है। हाँ, सुमित भी कह रहे थे कि हमको जगा देना, हम चलेंगे। सुमित जाना है कि नहीं? सुमित चलना है? ठीक है। सो गाइस, तो ये देखिए मम्मी रेडी हो रही हैं, और पीछे ये महाराज जी सो रहे हैं। उन्होंने सुबह कहा था कि हम भी चलेंगे, मुझे जगा जरूर देना, लेकिन अभी हम लोगों ने जगाया तो कह रहे हैं नहीं, तुम लोग होके आ जाओ। तो फिलहाल चलिए, अभी ज्यादा लेट नहीं कर दें, नहीं काफी धूप हो जाएगी, फटाफट हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, लेट्स गो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, अंकित हम लोगों को मंदिर छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ के चला आएगा, क्योंकि अभी वहाँ पूजा करने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंचते हैं फटाफट मंदिर। तो फिलहाल हम अभी मंदिर आ गए हैं,
तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो हो सकता है मैं आपको इतना बोलकर नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी, तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो अभी जितना हो सकेगा मैं आपसे पूजा करते हुए, पूजा मैंने कैसे की मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पूजा। अच्छा बोरी है तो यहाँ पे मम्मी मुझे केले का पत्ता तोड़ के दे रही है, क्योंकि मम्मी कह रही केले के पत्ते के ऊपर भी प्रसाद चढ़ाना, नीचे नहीं रखना, नहीं तो मिट्टी लग जाएगी, क्योंकि ये प्रसाद बाद में हमें खाना भी है, हम खा सकते हैं, घर में सभी लोग खा सकते हैं। तो मम्मी अभी ये केले का पत्ता तोड़ रही है, हम घर से पेपर लाना भूल गए जल्दी जल्दी में। आसपास आ गए थे, तो अभी मौसम ठंडा है, धूप भी नहीं है, बस हल्की हल्की धूप अभी लग रही है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। गाइस तो ये है आज वट सावित्री पूजा के दिन का मेरा गेटअप। तो मैं इस तरह से रेडी हुई थी, मैंने आज ज्यादा हैवी साड़ी, ज्यादा हैवी ज्वेलरी या ज्यादा डार्क मेकअप नहीं किया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में इन सब चीजों से हाल बेहाल हो जाता, तो मैंने लाइट साड़ी पहनी और बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी पहनी, ओनली मंगलसूत्र, और मेकअप भी बिल्कुल सादा सा सिंपल सा किया था, ज्यादा मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था ताकि मुझे भी कंफर्टेबल फील हो सके। सो गाइस तो मेरा ये आज का लुक कैसा लग रहा है।
तो अभी मैं फिलहाल घर आ चुकी हूँ। घर आते ही मम्मी ने चाय और नाश्ता फटाफट रेडी किया, क्योंकि ये व्रत बिल्कुल निर्जला होता है। जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। पूजा करने के बाद ही हम अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। और गाइस, आज हम लोग सुबह 4:30 बजे ही उठ गए थे मैं और मम्मी, कि फटाफट अपना काम खत्म कर लें और पूजा की तैयारी कर लें, और मॉर्निंग में धूप निकलने से पहले ही हम मंदिर भी पहुंच जाएं। गाइस, तो हमारी पूजा की तैयारी तो टाइम से हो गई थी, और मॉर्निंग में लगभग हम 7 बजे से पहले पहले मंदिर भी पहुंच गए थे पूजा करने के लिए। और वहां पे मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे तरीके से हुई। और मॉर्निंग में बाहर जाना, मंदिर जाना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ऑसम फीलिंग आ रही थी। सब ठंडा ठंडा, इतना फ्रेश लग रहा था। तो पूजा तो मेरी हो चुकी है, और पूजा करने के बाद देखिए, हमारे यहाँ ये माला पहना जाता है पीले रंग का, जो कि हमें 12 दिन पहनना होता है, और आज से ठीक 12 दिन के बाद ही उतारना होता है। तो खैर, हमारे मायके में तो ऐसा कहते हैं कि या तो सिर्फ आप एक दिन पहनो, एक दिन पहन के शाम को उतार दो, या तो फिर पूरे 12 दिन पहनो। बट हमारे ससुराल में ये माला पूरे 12 दिन ही पहननी होती है, और पूजा से ठीक 12वें दिन ही ये माला हमें उतार के किसी सुरक्षित जगह पे रखनी होती है। आज का मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा, मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। मेरी आज की फीलिंग्स कैसी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, मैंने पूजा की तैयारी कैसे की, मैंने क्या क्या किया, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज का दिन आपके लिए कैसा था, आपने कैसे पूजा की, प्लीज आप अपनी फीलिंग्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।